हेलो गाइस, आज की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे DHS रिजल्ट 2023 रिलीज डेट। ठीक है, आपका रिजल्ट कब रिलीज होगा, ग्रेड 3 ग्रेड 4 कट ऑफ मार्क क्या कट ऑफ रहेगा, कैसे रिजल्ट चेक करने का है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, डिटेल में देंगे। चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल RT एजुटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट, एग्जाम डेट, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, प्राइवेट जॉब वैकेंसी, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए शुरू कर दें। कैंडिडेट हु अपेयर इन अ रिटन एग्जाम फॉर द ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट नीड टू नो द ऑफिशियल आर लाइकली टू बी रिलीज द रिजल्ट इन अ वेरी सून। ठीक है, आपका जो आपने अगर एग्जाम दिया है ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट के लिए, तो आपका जो रिजल्ट है जल्दी रिलीज हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होगा। एग्जाम फॉर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 पोस्ट आर कंडक्ट ऑन January 22 एंड 12 February। ठीक है, आपका जो एग्जाम हुआ है 22 January और 12 February को एग्जाम हुआ था। एंड DHS यूजुअली टेक टाइम हार्डली 4 to 6 week टू कंप्लीट द एवोल्यूशन प्रोसेस। और DHS अपना जो चेकिंग प्रोसेस करता है जो कि 4 से 6 week के अंदर कंप्लीट कर देता है, तो आपका जो हाईली चांस है आपका रिजल्ट जल्दी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट आसाम, ऑर्गेनाइजेशन DHS, DME, आयुष एंड DHSFW। पोस्ट नेम की बात करें तो ग्रेड 3 नॉन टेक्निकल एंड ग्रेड 4। वैकेंसी 1528+2720। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो आपका रिटर्न एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम डेट की हम बात करें तो आपका एग्जाम हुआ था 22 January फॉर ग्रेड 4 के लिए। ठीक है, ग्रेड 4 पोस्ट का एग्जाम आपका 22 January को हुआ था और ग्रेड 3 का 12 February को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें आपका रिजल्ट कब रिलीज होगा, DHS रिजल्ट 2023 विल बी रिलीज ऑफिशियली इन ऑनलाइन मोड इन अ सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2023। ठीक है, इसी वीक में आपका रिजल्ट होगा, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में। ठीक है, और आपको अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो और ऑफिशियल डेट सामने